All of us extremely, extremely emotional. Got a couple of reactions also coming up from the ground. Let's take a look at all of those voices. कमाल का दो कैच हो गया है कि कुलदीप का भी बहुत इंपॉर्टेंट कैच था डिकॉक का, मगर सूर्या का कैच आउटस्टैंडिंग था क्योंकि मैच गेम चेंजर बोलते ना अमन, वो गेम चेंजिंग मोमेंट था जिधर अपने को वो मौका मिला। वन थिंग ग्रेट अबाउट दिस टीम इज कमराडरी बिटवीन ईच अदर, देयर इज ऑलवेज समबडी हेल्पिंग ईच अदर, वर्किंग एज अ फील्डिंग यूनिट इज समथिंग स्पेशल टू सी। All right, so if we were to talk about Kohli's innings throughout the match, he was also being targeted and being criticized for not being at the top notch level throughout the tournament, not being able to perform at some of the crucial matches. But yesterday, he sort of did it all. He managed to cover it all up. Remember during the press conference also, Rohit Sharma said, and in fact, Rahul Dravid also said in one of the press briefings, they said that Virat is actually saving it for the last. In fact, we have got a reporter joining us live from Ahmedabad, also the biggest stadium, the biggest cricket stadium in India at the moment. She is bringing us all the colors, all the voices that she is picking up from the ground. हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अहमदाबाद के स्टेडियम के बाहर खड़ी हुई हैं, हमें बताइए कि क्या माहौल है वहाँ पे, लोगों को कैसा लग रहा है, कितनी खुशी की लहर वहाँ पे है कि 11 साल का जो ड्रॉट है वो एक तरीके से रोहित शर्मा और उनकी टीम ने ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल साक्षी, खास तौर पे अहमदाबाद में और उसी तरीके से जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से अहमदाबाद में रहते थे, उनकी खास तौर पे यहाँ पे एक पहचान बन चुकी है। उसके साथ कई सारे लोग आज संडे के दिन सबसे ज़्यादा खुशहाल है क्योंकि वर्ल्ड कप भारत के नाम है। मेरे साथ जसप्रीत बुमराह के कोच है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किशोर भाई त्रिवेदी। किशोर जी, मुझे बताइए खासतौर पर जसप्रीत बुमराह का जो परफॉर्मेंस रहा, पूरी टीम का हालांकि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, क्या कहेंगे आज कल के दिन? जसप्रीत बुमराह तो है वो नंबर वन बॉलर है और जब भी विकेट की ज़रूरत है वो दो विकेट निकाल देता है और इंडियन टीम को बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल फ़ायदा तो होता है, लेकिन उसके साथ कल की मैच भी बहुत अच्छी थी, सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छी तरीके से, मतलब हारते हारते हम बच गए। हाँ, बहुत ही क्रुशियल कैच था वो, सूर्य कुमार यादव ने जो कैच लिया वो क्रुशियल विकेट था, और हार्दिक ने भी लास्ट ओवर में जो दो विकेट लिए, इसकी वजह से हम वर्ल्ड कप चैंपियन बन गए। अच्छा, जसप्रीत जिस तरीके से बचपन से खेलता आया है आपके साथ, उनके बारे में कुछ स्पेशलिटी जो हारती मैच को भी जीत दिला दे? वो ऑलवेज ऐसा ही करता है, जब भी स्कूल में भी खेलता था, स्टेट में भी खेलता है, कई सारी मैचों में क्रूशियल टाइम में वो विकेट निकालने में काफी विकेट रखता है। बिल्कुल, आप कोच रहे कई साल से, मुझे बताइए जसप्रीत की वो स्पेशलिटी क्या है, किस तरीके से उसने अपने आप को ट्रेन किया है? जसप्रीत तो पहले रॉ मटेरियल था, उसके बाद में यॉर्कर में ज़्यादा विकेट लेता था, अभी क्या है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आ गई है। हाँ। इन स्विंग, आउट स्विंग, स्लोअर वन, ये सब वेरिएशन की वजह से बैट्समैन को वो पजल में डाल देता है, इसकी वजह से उसको विकेट भी मिलती है और लाइन लेंथ में तो वो एक्यूरेट बॉलर है, कभी भी बहुत वाइड वाइड भी नहीं जाता है, कभी नॉबॉल रेयरली नॉबॉल पड़ते हैं, बाकी ऑन होल नंबर वन बॉलर है। बिल्कुल, बात हुई इस मैच के बाद या इससे पहले? नहीं, अभी उसको टाइम नहीं मिलेगा, नहीं। हाँ। वो सेलिब्रेशन में सब रहेंगे। बिल्कुल, बस खुशियाँ तो बटोरना होगा। अरे बहुत खुशी हुई, इंडिया चैंपियन हुई, वर्ल्ड कप नंबर वन बन गई, इसे वाला और क्या चाहिए। बच्चों से भी पूछने की कोशिश करेंगे, जसप्रीत बुमराह के जो कोच है किशोर भाई त्रिवेदी, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, क्या कहेंगे कल के मैच के बारे में? इंडिया विन, आई लव इंडिया, इंडियन टीम। ओके, एंड व्हाट अबाउट द जसप्रीत बुमराह एंड ऑल टीम? आई लव हिज इन स्विंग एंड आउट स्विंग। ओके फाइन, क्या नाम है आपका और किस तरीके से आज आप मैच के लिए क्या कहेंगे? लास्ट के हार्दिक ने गेम पलट दिया था, क्लासन की विकेट ले। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो खास तौर पर बच्चे भी बहुत खुश है और कोच से फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किशोर भाई, जिस तरीके से आप इन नन्हे बच्चों को ट्रेन कर रहे हो, इसी तरीके से शायद इसी जगह पे एक बार जसप्रीत बुमराह भी थे। हम ट्राई यही करते हैं कि हम कम से कम एक दो बॉलर ऐसा प्रोड्यूस करें जसप्रीत जैसे ही। हाँ। हमारे पास कैंप में दो तीन लड़के हैं, वो नेचुरल एक्शन से ही बॉलिंग करते हैं, जसप्रीत की जरा कॉपी नहीं करता है, वो भी नेचुरल है और हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि भाई
जसप्रीत की तरह वो भी उसको खेलने का मौका मिले और आगे बढ़े। बिल्कुल, खेलने का मौका मिले और आगे बढ़े। और जसप्रीत के साथ अगर बात करें पूरी टीम की, तो कहीं ना कहीं टीम की जो स्पेशलिटी रही वो कहीं ना कहीं कल जीत के काबिल और वर्ल्ड कप भारत को दिलाने में बहुत ही आगे बढ़ी। बहुत बहुत खुशी हुई है और सभी ऑन होल बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब एक्सलेंट फील्डिंग, तभी तो हम चैंपियन बनते हैं। अगर कोई भी एक वीक पॉइंट होता, एक कैच ड्रॉप होता, तो वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल जाता। यानी वर्ल्ड चैंपियन इज भारत। और इसी के साथ खासतौर पर साक्षी जी, कई सारे लोग हैं वो कल भी रात को देखा मैंने अहमदाबाद में कई कई जगह पे सेलिब्रेशन भी हुआ और सारे जो लोग हैं वो अहमदाबाद और के लोग और गुजरात के लोग बहुत ही खुशखुशाल दिखाई दे रहे थे। डेफिनेटली दीपिका, धन्यवाद भी करना चाहेंगे किशोर जी का कि उस ग्राउंड से जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर निकला है। आपके पीछे जो बच्चे हैं जो आपसे अभी बात कर रहे थे, उनसे भी पूछे क्या वो भी जसप्रीत बुमराह जैसा ही बनना चाहते हैं। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे वो एक मोमेंट जो मैच में आया था जब सबकी सांसें थम चुकी थी कि अब जीतने वाले हैं कि नहीं जीतने वाले हैं, 30 बॉल पे 30 रन चाहिए हैं, उस टाइम पे जसप्रीत बुमराह पे उनके कोच का कितना कॉन्फिडेंस था, क्या उन्हें पूरा भरोसा था कि जसप्रीत बुमराह उस डिफिकल्ट सिचुएशन से टीम इंडिया को बाहर निकाल लेंगे और हमें जीत ले देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बच्चों से पहले बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जसप्रीत बुमराह इज़ द रोल मॉडल और नॉट? यस, उसने क्या किया कि जब 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे तो हम लोग को ऐसे ही लगा था कि क्लासिन और मिलर है तो वो लोग काम ख़त्म कर देंगे, लेकिन जब हार्दिक पंड्या ने क्लासिन को आउट किया तो थोड़ी आशा जगी कि हम लोग जीत जाएंगे। फिर यानसिन को जो गजब बोल्ड किया, इतना सा गैप में बॉल चला गया, वो यानसिन भी थम गया था कि ये क्या हो रहा है। फिर जब मिलर आउट हुआ, सूर्य कुमार ने एक्सीलेंट कैच पकड़ा और इन्हीं लोगों के कारण हम लोग फाइनल जीत पाए। ओके, जसप्रीत बुमराह के बारे में क्या कहेंगे क्योंकि आप ही के बीच इसी ग्राउंड पे वो खेले हैं? जसप्रीत बुमराह इज द बेस्ट बॉलर इन इंडियन टीम, वो सबसे अच्छी यॉर्कर डालता है, आई लव हिज यॉर्कर। और कल उसने बहुत अच्छी विकेट ली है। बिल्कुल, और कोई बोलना चाहेगा कुछ? आप बताइए, आप बॉलिंग करते हैं, जसप्रीत बुमराह को रोल मॉडल मानते हैं और खासतौर पे किस तरीके से उनको फॉलो करते हैं? मतलब मैं हर बार ऐसा ही ट्राई करता हूँ कि मेरी लाइन एंड लेंथ एक्यूरेसी रहे। और जसप्रीत बुमराह इज़ माय फेवरेट, मोस्ट फेवरेट बॉलर इन द वर्ल्ड होल न्यू यूनिवर्स। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के लिए रोल मॉडल तो है, लेकिन मेरे साथ किशोर त्रिवेदी जिन्होंने खासतौर पर जसप्रीत बुमराह जी को कोच किया है। जिस तरीके से कल हारते हारते हम लोग जीत गए, जसप्रीत बुमराह का जो परफॉर्मेंस रहा उसके बारे में कुछ बताइए कि जिस तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस मतलब कल विकेट ली, फर्स्ट विकेट ली, तब मतलब क्या आपके जहन में था? फर्स्ट विकेट ली और बाद में जो रोहित को ऐसा ही लगता है कि जब भी क्रूशियल टाइम है तभी उसको बॉलिंग देता है और उस टाइम में वो सक्सेसफुल होता है। बिल्कुल, मुझे ये बताइए, जसप्रीत बुमराह की जब बात थी तो जसप्रीत बुमराह को लेकर के जो पहला मैच था उनका और आज जो मैच है, कितना डिफरेंस आपको दिखा? वो तो एवरग्रीन बॉलर है, नंबर वन बॉलर है, तो कहीं भी कोई भी विकेट पे वो सक्सेसफुल होता है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं, वो इंडिया इंडिया के नाम से चेयरअप करे सुबह से, ये खासतौर पर ये चेयरअप था। और संडे के दिन आज कई सारे बच्चे इसी ग्राउंड पे, यही ग्राउंड जो आप देख, मैं बता रही हूँ यही ग्राउंड पे, इसी बच्चों के बीच कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह जो खेल रहे थे और आज इसी बच्चों के लिए जसप्रीत बुमराह है वो रोल मॉडल बन चुके हैं। और इसी की वजह से यहाँ पे लोग हैं वो जश्न का माहौल क्रिएट करेंगे कि वर्ल्ड चैंपियन भारत टीम बन चुकी है। बिल्कुल दीपिका, हमें वहां से सारी जानकारियां लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किशोर जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। आशा रखते हैं कि जसप्रीत बुमराह जैसे और भी प्लेयर उन्हीं कुछ बच्चों में से निकल के आने वाले समय में हमारे लिए आए।